अस्सलाम वालेकुम जी, फेसलेस बंदा आपके सामने हाजिर है। और इस वक्त हम लाहौर में ट्रेवल कर रहे हैं और इस वक्त हम जा रहे हैं रिंग रोड के ऊपर। आप ये देख सकते हैं कि कितना पुरसकून है रिंग रोड और बिल्कुल साफ़ सुथरी रोड्स। ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि जी लाहौर के अंदर काम तो हुआ है। अब कराची भी मैं जाता रहता हूँ, इस्लामाबाद भी, इस्लामाबाद कराची, मतलब आप देखें कि पंजाब के अंदर आपको इस तरह की रोड्स वगैरह नज़र आएंगी इस्लामाबाद में, पंजाब में, इवन मुल्तान के अंदर भी मैंने बहुत साफ़ सुथरी रोड्स देखी हैं। लेकिन जब आप बात करें कराची की, हैदराबाद की, हैदराबाद में भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर मैंने देखा है काफ़ी अच्छी रोड्स बनी हुई हैं, लेकिन कराची का बड़ा बुरा हाल हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कमेंट्स में बताइए, और हाँ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसके बगैर हमारा भी काम नहीं चल सकता और कैसे फिर हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए वीडियो कैसे बनाएंगे। तो फेसलेस बंदे को आप जो है शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इस वक्त जी मगरिब का टाइम होने वाला है, आप ये देख सकते हैं सूरज हमारे बिल्कुल साथ साथ है, राइट साइड के ऊपर सूरज है। और यहाँ पे आप ट्रैफिक का हाल है क्योंकि इस वक्त बेसिकली रोज़ा इफ्तार होने लगा है और इसलिए काफ़ी लोग जो है स्पीडें मार रहे हैं और स्पीडो स्पीड घर जाने के चक्कर में है। कि वैसे भी आज सैटरडे का दिन है तो हो सकता है किसी की इफ्तारी हो कहीं पे। तो चलें, इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात अब होती रहेगी और छोटे मोटे ये व्लॉग्स वगैरह हम बनाते रहेंगे आपके लिए कि कहाँ हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आप लोग क्या क्या लाहौर में आप लोगों ने देखा हुआ है और क्या क्या देखना चाहते हैं, या पंजाब के अंदर किस तरफ आप लोग रहते हैं और वहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी हुई हैं। मतलब आप अपने सिटी से कंपेयर अगर करते हैं लाहौर की सड़कों को, तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? बाकी रोज़ा किस किस ने रखा हुआ है जी, ये ज़रूर बताइएगा कि आज क्या इफ्तारी में खाएंगे आप, या खाना है आज आपने, और क्या आप लोगों की भी आज इफ्तारी बाहर है, या आप लोगों की इफ्तारी आज घर पे ही है, या रोज़ा भी रखा है कि नहीं रखा। रखना चाहिए जी रोज़ा, अच्छी चीज़ है। सहरी कौन कौन करता है आप में से, ये भी ज़रूर बताइएगा। और क्या आपसे बात करूँ इस बारे में, अब ये देखें कि कोई आपको यहाँ पे बदनज़मी किस्म की कोई नज़र नहीं आएगी। सारे अपनी अपनी लेन में जा रहे हैं, तमीज़ से जा रहे हैं। ये सारे काम आप आम रोड्स पे भी कर सकते हैं, बात वही है कि जी डंडा होना चाहिए। और जब तक हम जैसे लोगों को डंडा मिलता रहता है तब तक हम बिल्कुल ठीक रहते हैं, और जब हमें डंडा कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है हमारे ऊपर सर से, तो तब जो है फिर हम वही हरकतें शुरू कर देते हैं। चलें जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। और अब आपसे ये गपशप चलती रहेगी। फेसलेस बंदा इसलिए क्योंकि जी फेसलेस हम इसको रखेंगे, रिवील कभी ज़िंदगी में करना हुआ तो कर देंगे, फ़िलहाल के लिए आपके साथ ये फेसलेस बंदा ही रहेगा इस तरह से, जिसमें हम अपनी शक्ल तो नहीं दिखाएंगे लेकिन हमारी आवाज़ आपके कानों तक पहुँचती रहेगी। चलें जी, इजाज़त दीजिए, सबको सलाम, अल्लाह हाफिज़।